मुख्यमंत्री जी ने हमें भाव दिया, नहरों में पानी दी, सस्ती बिजली दी, 14 फसलें खरीदते हैं, तो इनका धन्यवाद आखिरी शब्द तक जब बैठे रहेंगे, जब तक ये नहीं कह देते मुख्यमंत्री जी आप 5 बजे तक कहोगे तो हम 5 बजे तक बैठेंगे। ये भिवानी जिले की जनता, इनका स्वभाव को मैं जानता हूं, क्योंकि हम थोड़े से बोलन में कड़े जरूर हैं, लेकिन जिसका साथ लग जाते हैं उसका साथ छोड़ते नहीं है। 1991 में भी इन्होंने साथ की साथ सीट दी थी, 1996 में भी सारी की सारी सीट दी थी, और इस बार भिवानी जिले दादरी भिवानी की सारी सीट मनोहर लाल जी आप अपने खाते में लिख लो और हमारे ऊपर यह कृपा बनाई दृष्टि रखो। मैं तो इतनी बात कहना चाहता हूँ, भाषण की बात नहीं है। और मैं अब आपके सामने एक ऐसे शख्स से, अपने देश के अंदर नासूर हो गया था, लाल झंडे के कम्युनिस्टों ने देश को ऊपर बर्बाद करने का वो बीड़ा उठा रखा था, उस पार्टी को त्रिपुरा से उखाड़ के फेंकने का काम किया, ऐसे महान नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री है त्रिपुरा के विप्लव कुमार देव जी, उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस तरह से हमारे हरियाणा को रास्ता दिखा रहे हो, आपके नेतृत्व में मनोहर लाल जी की नीतियों से हरियाणा में तीसरी बार विधानसभा में बहुवरी बहुमत से सरकार बनेगी और 10 की 10 लोकसभा सीटें मोदी जी को आप खबर कर देना कि 10 की 10 सब लोकसभा सीटें हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की होंगी। जोरदार नारा लगाए और विप्लव देव जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आइए और हमारे इन लोगों को आशीर्वाद दीजिए। बोलो भारत माता।